जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखो जैसे पाई यहाँ पर गिवन है हमारे पास 11.16 हमें क्या गिवन है, रेडियन गिवन है ना हमें, तो हम यहाँ पर ऊपर इसके ऐसे लिखेंगे ना 11.16 उसके पावर में, जैसे हम लिखते हैं वो रेडियन, क्योंकि रेडियन को शो कर रहा है, तो हम रेडियन में से डिग्री को फॉर्म में जाने के लिए क्या करते हैं, जैसे उसको क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर है देखो 180/π था ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 11/16 के साथ ठीक है। अब इन्होंने जो सी यहाँ पर है पाई की वैल्यू जो सी है यहाँ पर पुट कर दी, पाई की वैल्यू जो सी है पुट कर दी, क्या कर दी 22/7 जैसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया 180/22/7 मल्टीप्लाई 11/16, तो जो सा ये 7 है ऊपर ही चला जाएगा ना, वैसे बस उसको सॉल्व करके लिखा हुआ है उन्होंने ठीक है, सॉल्व करना तो हमें आता ही है बस ठीक है। 11/16 तो क्या बन जाएगा 180/7/22, इसको आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा ये 315/8 degree। अब मैंने बोला था कि जो सी डिग्री है वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, जौन सी डिग्री है वो हमारी फ्रैक्शन में आनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जैसे हमारे पास यहाँ पर आया 315, उसको हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 के टेबल पे जाएगा 3 से 24, 11 में से 8 गई कितना होता है बताओ, 11 में से 8 गई 4, तो 11 में से 4 गए सॉरी 7 होते हैं ठीक है, तो 75 आ गया, फिर ये 9 पे जाएगा, 8 9 से कितना होता है 72 होता है, 3 आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो सा क्वेश्चन होता है उसको हम लिखते हैं 39 degree + 3/8, मतलब जो सा क्वेश्चन होता है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर ठीक है, इन्होंने ऐसे लिख दिया इसका, इन्होंने लिखा है ना 39 3/8, इसको हम लिख सकते हैं 39 + 3/8 जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है, आप इसको ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है, इसको ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है, सिंपल ऐसे इन्होंने क्या किया उसको डिवाइड कर दिया ठीक है। अब हमें डिग्री में फाइंड करना है, तो आप देखो दोनों से 3/8 है, 3/8 चलो 39 + 3/8, ये जो 3/8 डिग्री है ये तो, ये भी तो फ्रैक्शन में है ना, फिर से फ्रैक्शन में आ गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे उसको डिग्री को जौन सा है मिनट्स में, मिनट्स में जौन सा है कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री के बाद हम मिनट्स में जाते हैं, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़े से टिपिकल से हैं बट कोई बात नहीं अब कर लोगे ठीक है। इसको अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 39 degree तो ऐसे आ गया, फिर 22/1/2 वैसे जैसे मैंने बोला था उसको फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर और जो सा मैंने आपको करवाया था डिवीजर प्लस रिमाइंडर अपॉन क्वेश्चंट है ना, वही वाली चीज़ यहाँ पर फिर से लग जाएगी ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखो 1/2 फिर से फ्रैक्शन में आ गई, फिर से आप क्या करोगे 1 को 2 से जो से यहाँ पर हमने रिपीट जो सा प्रोसेस किया था और जो सा यहाँ पर प्रोसेस किया था डिवाइड वाला वो यहाँ पर फिर से रिपीट हो जाएगा, तो कर दो ठीक है। डिवाइड करने से पहले क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड्स में चेंज करने के लिए ठीक है, जब सेकंड्स में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा 39 22 तो मिनट्स को ही शो कर रहे थे ठीक है, और 1/2 हमने सेकंड्स में चेंज करने, सेकंड्स भी 60 होते हैं ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या आ जाएगा 30 से कट हो गया तो क्या आएगा 39 degree होगी, जैसे 39 थी वो डिग्री होगी, 22 क्या होगी मिनट होगी ठीक है, और 30 क्या हो गए सेकंड्स हो गए, देखो यहाँ पर शो भी किया हुआ है ठीक है। इसके साथ जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट भी है सेकंड सम का ख़त्म हो गया, होगा आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। इजी है क्वेश्चन, थोड़े से टिपिकल है बट कोई बात नहीं है, कर लोगे आप।